कहानी क्या है हम कुछ नहीं जानते, कहानी क्या है, कहानी की क्या परिभाषा है किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए जो संवादों के माध्यम से कहानियाँ लिखी गई हैं लगभग 20-25 साल पहले, पुरानी कहानियाँ हैं, तो उनमें से कुछ आपके सामने रखता हूँ। ये गुरु शिष्य संवाद है। शिष्य गुरु से कुछ पूछता है और गुरु उसका उत्तर देता है, और ये 4-5 संवादों में कहानियाँ पूरी हो जाती हैं, कोई लंबी कहानियाँ नहीं। पहली कहानी है शिष्य जिसका नाम हरि राम है, पूछता है ईमानदारी क्या है गुरुदेव, ईमानदारी क्या है गुरुदेव। गुरु, ये एक भयानक जानलेवा बीमारी का नाम है। हरि राम, क्या ये हमारे देश में भी होती है। गुरु, हरि राम बहुत पहले प्लेग, टीबी और हैजे की तरह, इसका भी कोई इलाज न था, तब ये हमारे देश में फैलती थी और लाखों लोगों को चट कर जाती थी। और अब गुरुदेव, अब उस दवा का पता चल गया है जिसके कारण इस बीमारी को रोका जा सकता है। उस दवा का क्या नाम है गुरुदेव। आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उस दवा का नाम है लालच। लालच, गुरुदेव अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे, गुरुदेव अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे उसके दो प्रेमी लड़ रहे हों तो सुंदर स्त्री को क्या करना चाहिए। गुरु, तीसरे प्रेमी की तलाश। क्यों क्यों गुरुदेव, इसलिए कि सुंदर स्त्री के पीछे लड़ने वाले प्रेमी नहीं हो सकते। क्रांति क्या है गुरुदेव, क्रांति क्या है गुरुदेव। हरिराम, क्रांति एक चिड़िया का नाम है, एक सुंदर चिड़िया का नाम है क्रांति। ये कहाँ रहती है गुरुदेव, चतुर लोगों की जुबान पर और सरल लोगों के हृदय में। चतुर लोग उसका क्या करते हैं, चतुर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गीत गाते हैं और समय आने पर उसे चबा जाते हैं, और सरल लोग उसका क्या करते हैं, वह उनके हाथ कभी नहीं आती। गुरुदेव अगर एक हड्डी के लिए, गुरुदेव अगर एक हड्डी के लिए दो भूखे कुत्ते लड़ रहे हों तो उन्हें देखकर एक सरल आदमी क्या करेगा, बीज बचाव कराएगा, और एक चालाक आदमी क्या करेगा, हड्डी लेकर भाग जाएगा, और एक राजनेता क्या करेगा, दो भूखे कुत्ते वहां और छोड़ देगा। सबसे बड़ा दर्शन क्या है गुरुदेव, हरिराम, सबसे बड़ा दर्शन है चाटुकारिता। कैसे गुरुदेव, इसलिए कि चाटुकार बड़े से बड़े दर्शन को चाट जाता है। ये कुछ कहानियां हैं और कुछ इसके साथ दूसरी भी हैं। सुना होगा, हम सब जानते हैं कि कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, कुछ देशों को माना जाता है कि इनका विकास हो गया, कुछ देशों में विकास है। हाँ, कुछ देशों में विकास है। तो एक सीरीज लिखी थी मैंने, विकसित देशों की पहचान, विकसित देशों की पहचान, उसकी कुछ कहानियाँ, उसकी कुछ कहानियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये भी पुरानी है, लिखी हुई सीरीज़ पुरानी है, लेकिन फिर भी जो
क्योंकि विकास जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, चल रहा है, इसमें गुरु जो है वो शिष्य से पूछता है, गुरु शिष्य से सवाल करता है और वो एक ही सवाल करता है। गुरु कहता है कि विकसित देशों की कोई पहचान बताओ, विकसित देशों की कोई पहचान बताओ। गुरु पूछ रहा है कि विकसित देशों की कोई पहचान बताओ हरिराम। तो हरिराम जवाब देता है, विकसित देशों में कपड़ा नहीं बनता गुरुदेव, कपड़ा नहीं बनता। तब वे क्या बनाते हैं? वे हथियार बनाते हैं। तब वे अपना नंगापन कैसे ढकते हैं? हथियारों से ही उनकी नंगाई ढक जाती है। विकसित देशों की कोई पहचान बताओ हरिराम। विकसित देश के लोग खाना नहीं पकाते, तब वे क्या खाते हैं? वे फास्ट फूड खाते हैं। हमारे खाने और फास्ट फूड में क्या अंतर है हरिराम? फास्ट फूड खाने वाले के पास दौड़ा चला आता है और हमें अपने खाने के पास जाना पड़ता है। विकसित देशों की कोई पहचान बताओ हरिराम। विकसित देशों में आदमी जानवरों से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जानवर आदमियों से बड़ा प्रेम करते हैं। वहाँ आदमी आदमी से और जानवर जानवर से प्रेम क्यों नहीं करते? क्योंकि विकसित देशों में आदमी को आदमी और जानवरों को जानवर नहीं मिलते। विकसित देशों की कोई पहचान बताओ हरिराम। विकसित देश विकासशील देशों को दान देते हैं और फिर कर्ज देते हैं और फिर ब्याज को ही कर्ज में देते हैं और फिर ब्याज ही कर्ज में चलता रहता है और फिर विकसित देश विकासशील देशों को विकसित मान लेते हैं। विकसित देशों की कोई पहचान बताओ हरिराम। विकसित देशों में बूढ़े अलग रहते हैं, विकसित देशों में बूढ़े अलग रहते हैं और जवान भी अलग रहते हैं। वे भी अलग रहते हैं, जवान भी अलग और अधेड़ भी अलग रहते हैं। तब वहाँ साथ साथ कौन रहता है? सब अपने साथ साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।